अच्छा विकास कहाँ हुआ है, मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, गुजरात में जो 7 किलोमीटर का वो दीवाल उठाए हैं ट्रंप से छुपाने के लिए, क्या वो विकास हुआ? तो इसलिए माननीय मोदी जी को बोलने दीजिए, माननीय मोदी जी ने तो कहा था कि अब की बार ट्रंप सर, ट्रंप जीते। उल्टा बोल के यार, हमें तो लग रहा है कि बीजेपी पूरा बंगाल से साफ। क्या किया मोदी जी ने, क्या किया देश को और 25 साल पीछे लेके चले। लोकसभा में टीएमसी हाफ और विधानसभा में टीएमसी साफ। देखिए माननीय मोदी जी का क्या है, वो बेचारे सिर्फ बोलते ही हैं। उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना बेटी पढ़ी ना बेटी बची। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बेचारे नौकरी नहीं दिए। ये है कि माननीय मोदी जी बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। सपना देखना हमारे देश में अभी सपनों के ऊपर पाबंदी नहीं लगी है। देख सकते हैं सपना के लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, बोलना आसान है मगर धरातल पे मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में कोई एक भी काम आप हमको बता दीजिए जो माननीय मोदी जी ने कहा हो जिसके लिए जनता लालायित हो सकती है। तो इसलिए माननीय मोदी जी को बोलने दीजिए, माननीय मोदी जी ने तो कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप जीते नहीं जीते। अगली बार में दिल्ली चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि बटन बाबरपुर में दबे और करंट शाहीनबाग तक लगे, क्या बाबरपुर में बटन दबा? तो इस नेत्री श्रीमती ममता दीदी कहती हैं कि पागल क्या नहीं बोलता है और छागल क्या नहीं खाता है। तो इसीलिए माननीय मोदी जी के बातों का मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये पश्चिम बंगाल की धरती है, राजा राम मोहन रॉय की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है। इस धरती में हिंदू मुसलमान की एकता अखंडता आपसी भाईचारा जो है ये बना रहेगा। माननीय मोदी जी जितना भी कोशिश कर ले और जितना भी वो जितनी बार पश्चिम बंगाल आएंगे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को ये पैगाम दूंगा कि माननीय मोदी जी जितनी बार पश्चिम बंगाल आएंगे, माननीय मोदी जी को निराशा ही मिलेगी, निराशा मिलेगी, निराशा मिलेगी। बीजेपी आने वाला नहीं है और कभी ना आया है ना आएगा। नहीं आएगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं 200 सीटें लाएंगे। बकवास है, वो नहीं आएगा। नहीं आएगा, फेकू है। कौन फेकू है? मोदी जी फेकू है। सर क्या लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ, विधानसभा में पूरी साफ। वो उल्टा बोल के जा रहा है वो। अच्छा, हमें तो लग रहा है कि बीजेपी पूरा बंगाल से साफ। पूरा बंगाल से साफ, पिछली बार 3 आई थी, तो तीन भी वापस लेना चाहते हो? 3 क्या, ये पूरा 0 में आया है। ये बार बीजेपी को यहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं, सपा है पूरा, वो खत्म है। वजह क्या है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के काम अच्छे नहीं है या ममता बनर्जी के ज्यादा अच्छे? वो तो झूठ बोल रहा है, जुमला दे रहा है कि मैं 15 लाख भेजूंगा। मैं गैस सिलेंडर का 850 रुपया दाम कर दिया, डीजल क्रासिंग सब का दाम कर दिया। पूरा इंडिया का, भारत का आदमी पूरा देख रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या आदमी क्या अंधा है? आदमी अंधा नहीं है, आदमी का दिमाग खुल चुका है। मोदी हटाओ देश बचाओ, समझ गए? मोदी हटाओ देश बचाओ।